दोस्तों कंगना रनौत को सलमान खान की फिल्म सुल्तान ऑफर हुई थी। जी हाँ, उन्होंने इसका खुलासा खुद एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान किया है और उन्होंने बोला है कि सलमान खान की जो फिल्म थी सुल्तान, उसके लिए पहले उनको ऑफर किया गया था आदित्य चोपड़ा की तरफ से, यशराज फिल्म्स की तरफ से। उनकी एक मीटिंग भी हुई थी आदित्य चोपड़ा के साथ, जिसमें उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। जी हाँ, उन्होंने बोला कि वो इस फिल्म में काम नहीं कर सकती है और उन्होंने माफ़ी मांगी आदित्य चोपड़ा से और उनसे बोला कि मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि उन्होंने पहले ही एक इंटरव्यू में बोला था कि खान्स के साथ वो काम नहीं करना चाहते, तो क्या शायद यही वजह हो सकती है कहीं ना कहीं उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था। आपको बता दें कि उन्होंने मना किया और उसके बाद उनको धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई थी आदित्य चोपड़ा की तरफ से। जी हाँ, इन सब का खुलासा खुद कंगना रनौत ने किया है। उन्होंने बोला है कि आदित्य चोपड़ा ने उनको धमकी दी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फिल्म को ठुकराने की, मुझे मना करने की, तुम खत्म हो चुकी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस फिल्म को मना करने की। तो इन सब का बातों का खुलासा कंगना रनौत ने एक न्यूज़ चैनल के दौरान किया है। सो कहीं ना कहीं अब आपको बता दें कि जैसे कि हम सबको पता है कि कंगना रनौत हर चीज़, हर गलत चीज़ को लेकर वो आगे रहती हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो वो उस गलत चीज़ को उठाती हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है। जैसे नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनौत ने काफ़ी अच्छी बातें बोली थी और उन्होंने बोला था कि नेपोटिज्म का कैसे सुशांत सिंह राजपूत शिकार हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं से, जब से वो खड़ी हुई हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और उसके बाद से कई ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाले कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उन सब पर वो सब निशाना साध रहे हैं। सो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कंगना रनौत की इस दिलदारी के बारे में और जो वो खुलासे करती हैं उन सब के बारे में, हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।